हेलो, गुड इवनिंग सभी को मेरी तरफ से। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो मैं सभी का स्वागत करता हूँ, वेलकम ऑल ऑफ यू इधर। सो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा सेशन है, वो साइबर सिक्योरिटी को लेके है, इथिकल हैकिंग, और आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं उसको लेके। कई लोगों के, कई स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि हम साइबर सिक्योरिटी सीखें, इथिकल हैकिंग सीखें। कई सोचते हैं चीज़ होती क्या है, तो सारा सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो मेरे यहाँ पे दो स्क्रीन है, एक मिशन आईटी एजुकेशन नाम से दोनों है। तो आप जो दूसरी स्क्रीन है उसको ओपन कर लो और उसको पिन कर लो, ठीक है? क्योंकि मैं अपनी ये जो कैमरा वाली स्क्रीन है इसको ऑफ करने वाला हूँ। आपको उस पर ही देखना है सब कुछ, और जो भी आपको क्वेश्चन डाउट हो, सर ने आपको बताया है, वो आफ्टर द सेशन आप पूछ लेना, ठीक है? आपको रिसोर्सेज कैसे, आप इस फील्ड में जा सकते हो, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सारा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊं, बिकॉज मैं बड़े बड़े सेमिनार वेबिनार कंडक्ट करता हूं, तो उसमें हर टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशली आईटी बैकग्राउंड के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता देना, ठीक है? बाकी कोशिश करूंगा मैं आपके लिए बिल्कुल इजी तरीके से आपको चीज़ें प्रोवाइड करूँ, ठीक है? सो स्पेशल थैंक्स टू उड़ान एजुकेशन ट्रस्ट दैट गिव मे ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड द इंटरनेट साइबर सेफ्टी प्रोग्राम। सो अगर मैं अपने बारे में बताऊँ, सो आई एम ए मार्शल आर्टिस्ट, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, और मैं यही मानता हूँ कि सभी जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको लाइफ में मार्शल आर्ट और ये सेल्फ डिफेंस आना जरूरी होता है, स्पेशली गर्ल्स, बिकॉज अपने आप की सिक्योरिटी और अपने आप को सिक्योर करना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज, एक साइबर सेफ होना जरूरी है, बिकॉज आज के टाइम में इतने ज़्यादा साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, सो उनसे डील करने के लिए हमें ये स्किल्स आनी जरूरी है, ओके? सो इसके साथ साथ आप स्क्रीन को फॉलो कीजिए, मैं अभी ऑफ करने वाला हूँ अपने ये, ओके? सो मार्शल आर्ट आर्टिस्ट के साथ साथ मैं एक साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर हूँ, सर्टिफाइड इथिकल हैकर, ओवेस्ट दिल्ली स्पीकर। ओवेस्ट की फुल फॉर्म होती है ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। जैसे मैं आपका यहाँ पे वेबिनार ले रहा हूँ, सेशन ले रहा हूँ, उसी टाइप से अलग अलग सेशंस होते हैं बड़े लेवल पे, जहाँ पे सारे हैकर्स एक साथ मीटअप करते हैं, तो उसी सेशन को बोलते हैं ओवास्प। अभी रिसेंटली मैं गुरुग्राम पुलिस के साथ इंटर्नशिप कर रहा हूँ, गुरुग्राम पुलिस साइबर सेल, जो कि अभी 2020 में चल रही है। इसके साथ साथ मैं पेनेट्रेशन टेस्टिंग प्रोजेक्ट हैंडल करता हूँ। पेनेट्रेशन टेस्टिंग का मतलब होता है किसी कंपनी से टाई अप करके, उसके ऑर्गेनाइजेशन से डील करके, उसमें जो सिक्योरिटी फ्लोस हैं, कमियां हैं, वीकनेस है, वल्नरेबिलिटीज हैं, उन सभी को ठीक करना। इसी को हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर, ठीक है? इसके साथ साथ मैं एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ जिसका नाम है मिशन आईटी एजुकेशन। तो ये सभी उन स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करती है जो साइबर सिक्योरिटी फील्ड में या आईटी फील्ड में आगे ग्रोन करना चाहते हैं। तो ये इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा इसका, बाकी मैं आफ्टर द सेशन आपको लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? सो ये मेरे मेन डोमेन थे जो मैंने आपको शेयर किया। सो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो आप ये एक कॉपी में राइट डाउन कर सकते हो, ये हम डिस्कस करेंगे, ओके? ओके, सो कैरी ऑन करते हैं आगे। सो हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी फील्ड को हम इथिकल के हैकिंग बोलते हैं, ओके? एंड देन इसके बाद साइबर लॉस आते हैं। सो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी के लिए, बिकॉज इसमें एक कैरियर जो अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, उसको हम कैप्चर करेंगे, उसको गैदर करेंगे, ठीक है? उसका मौके का फायदा उठाएंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन आता है साइबर सेफ्टी। सो हर व्यक्ति आज के टाइम पे यही चाहता है कि मैं साइबर सेफ रहूँ, मैं हैकर से बच के रहूँ और कोई मेरे को हैक ना कर पाए। सो सभी का यही रीज़न होता है, इसके अलावा किसी और का कोई रीज़न नहीं होता। सबका रीज़न यही होता है कि साइबर सेफ रहें, हम हैकर से बचे रहें और कोई हमारा जो पैसा है क्रेडिट कार्ड के अंदर, पेटीएम के अंदर, वो कहीं ना कहीं से उसको ब्लैकमेल ना करें, फ्रॉड ना करें हमारे साथ। तो उसी चीज़ को बोलते हैं साइबर सेफ्टी। आज के टाइम में साइबर सेफ्टी बहुत अलग अलग टाइप से हो गई है। किसी वेबसाइट के थ्रू आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, किसी ऑनलाइन पेमेंट पेमेंट गेटवे के साथ फ्रॉड हो सकता है, किसी एप्लीकेशन आपके साथ फ्रॉड कर सकती है, हैकर्स आपके साथ कर सकते हैं। तो इसी के लिए हमने ये सेशन अरेंज किया है ताकि आप इस नॉलेज को गेन कर सको, ठीक है? तो आप अपनी स्क्रीन पे फोकस कीजिए और मैं कुछ आपको टिप्स बताने वाला हूँ, आप राइट डाउन भी कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है? तो मैं आपको बताऊंगा इंटरनेट सेफ्टी के ऊपर चीज़ें, क्या क्या पॉइंट्स आपका, क्या क्या पॉइंट्स आपका रहेगा इंटरनेट सेफ्टी में। तो हम कुछ पॉइंट्स राइट डाउन करेंगे। तो इंटरनेट सेफ्टी का मतलब होता है हम अपने आप को सिक्योर रख सकें किसी
किन लोगों से, हैकर से, अलग अलग जो इलीगल एक्टिविटीज करते हैं ऐसे लोगों से। तो इसमें सबसे पहले कुछ मैं आपको 8 पॉइंट्स नोट डाउन करा रहा हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट बी नाइस टू पीपल ऑनलाइन। जब आप किसी से बात करें तो आपका एटिकेट्स, एटिकेट्स मतलब जो आपके अंदर मैनर्स हैं जो आप इंटरनेट पे यूज करते हैं, वो आपका बिल्कुल एक कॉमन, एक अच्छा नाइस वे होना चाहिए आपका तरीका बात करने का। ओके, आफ्टर दैट टेक केयर विथ व्हाट यू शेयर। जो भी आप शेयर करते हो उसका ध्यान रखो, बिकॉज एक बार जब आप इंटरनेट पे कोई चीज शेयर कर देते हो वो चीज एक फुटप्रिंट छोड़ देती है। फुटप्रिंट का मतलब जब आप इंटरनेट पे जाते हो और आपने हेलो लिखा, तो वो आपने हेलो लिखा फेसबुक पे, तो वो फेसबुक के सर्वर पे हेलो चला गया। सपोज आपने उसको डिलीट कर दिया तब भी उसके फुटप्रिंट रह जाते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं फुटप्रिंटिंग। ठीक है, तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट रखना है, ध्यान रखना है। खासकर हम कोई फोटो अपलोड करें तो उसको ध्यान रखना है ये फोटो किस टाइप का है, यह कोई वल्गर फोटो तो नहीं है या कोई ऐसा फोटो तो नहीं है जो हमारे इंटरनेट पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। थर्ड वन इज की पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्राइवेट। जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो प्राइवेट रखीजिए, बिकॉज कोई उसका कैसा यूज करे हमें उसके बारे में नहीं पता। द फोर्थ थिंग इज दैट चेक योर प्राइवेसी सेटिंग। देखो हम फेसबुक पे जाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हम फेसबुक तो यूज करते रहते हैं पर हमें ये नहीं पता हमारे फेसबुक को कौन कौन देख सकते हैं। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। जब आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग चेंज कर लोगे, अगर आप वहाँ पे प्राइवेसी के तीन फंक्शंस होते हैं, आप राइट डाउन कर सकते हो, प्राइवेसी के अंदर तीन ऑप्शंस होते हैं। पहला हमारा होता है सिर्फ प्राइवेट, ओके, अगला पब्लिक एंड द नेक्स्ट वन इज एवरीवन। सो अगर आप प्राइवेट कर लेते हो तो सिर्फ आप उस चीज को देख सकते हो, आपके फ्रेंड्स देख सकते हैं, और आप प्राइवेट के बाद आपका पब्लिक होता है, पब्लिक में ऑल ओवर सभी लोग देख सकते हैं। अगर आपका पब्लिक अकाउंट है तो सभी उसको जाके देख सकते हैं, अगर आपका प्राइवेट अकाउंट है तो उसको सिर्फ सेलेक्टेड लोग देख सकते हैं जिसको आप परमिशन दोगे, उससे आपकी प्राइवेसी बिल्कुल बची रहती है। इसके बाद एक आता है हमारा पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, इसके बाद नेक्स्ट क्या बताया था मैंने, जिसने राइट डाउन किया बताओ, एवरीवन। एवरीवन का कॉन्सेप्ट यही होता है, एवरीवन में आपको किसी की रिक्वेस्ट नहीं चाहिए होती, कोई आपको रिक्वेस्ट नहीं करता, डायरेक्ट आपकी इन्फॉर्मेशन देख सकता है। सपोज आपने अपने घर के फोटो उस पर अपलोड किए और किसी ने उसका मिसयूज कर लिया या आपके फोटो को कोर्ट कर दिया और उसका इलीगल वे में यूज कर लिया। ज्यादातर साइबर टेररिज्म जो लोग फैलाते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं, वो आपके फोटो का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आपके, खासकर जो लोग अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपलोड कर देते हैं, आइडेंटिटी अपनी रिवील कर देते हैं। तो उससे बच के रहिए, ये हमारे एक सेफ ऑनलाइन रहने का एक अच्छा मेथड है, अपने आप को साइबर सेफ रखने का तरीका है। ठीक है, जो आपकी पोस्ट के ऊपर कई ऐसे लोग होते हैं जिनका माइंड बिहेवियर बहुत बेकार होता है, जिनकी जिनके अंदर मैनर्स नहीं होते, वो क्या करते हैं किसी भी पोस्ट पे जाके कुछ भी लिख देते हैं, तो आप उसको रिपोर्ट कीजिए। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, रिपोर्ट। मैं लास्ट में आपको सिखाऊंगा कैसे रिपोर्ट करते हैं। कोई भी आपको गलत बोल रहा है, कोई भी आपको गलत इमेजेस भेज रहा है, कोई भी आपको गलत वे में कुछ भी टारगेट कर रहा है, तो आप उसको डायरेक्ट रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। जब आपकी रिपोर्ट जाती है तो उसी कंपनी, जैसे आप फेसबुक यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, ट्विटर यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, अगर वो गलत हुआ तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर उसको डिलीट कर देगा और आपका जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो आपकी आइडेंटिटी होगी, वो रिवील नहीं होगी। आप एनोनिमसली रिपोर्ट कर सकते हो, एनोनिमस का मतलब स्ट्रेंजर, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन जा ना सके। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है हमारा कीप योर पासवर्ड सेफ। आपका पासवर्ड हमेशा सेफ होना चाहिए। सेफ का मतलब आप अपना जो पासवर्ड है उसको सिक्योर रखिए। ठीक, कॉमनली हम पासवर्ड क्या यूज करते हैं, हम यूज कर देंगे पवन 123, आप यूज कर लोगे मोहित 220, कई और नाम रख लेते हैं, कई अपना पेट नेम रख लेते हैं, कई अपने स्कूल का नाम रख लेते हैं, कई तो एडमिन 123 डाल देते हैं। तो ये क्या चीज है, ये हमारे कॉमन पासवर्ड होते हैं और हैकर्स के लिए मिनटों में, चुटकियों में निकालना होता है, इजी, एक सेकंड के अंदर हैकर्स आपके ऐसे पासवर्ड निकाल सकता है, क्योंकि हैकिंग के अंदर ऐसी हाई लेवल टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको हम ब्रूट फोर्स बोलते हैं। एक ब्रूट फोर्स के अंदर मैं 13 लाख वर्ड्स पे अटैक कर सकता हूं, तो आपका पासवर्ड तो नॉर्मल है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग तब होगा जब आपके पासवर्ड में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि मेरा नाम पवन है, पवन चौधरी, तो मैं क्या करूंगा, पी को कैपिटल रख दूंगा और छोटा, सी को कैपिटल रख दूंगा और छोटा, इसके बीच में मैं यूज कर सकता हूं पवन 123 चौधरी या पवन चौधरी @123, और उसके बीच में मैं सिंबल्स भी यूज कर सकता हूं। इससे क्या होगा, हमारे जो पासवर्ड की जो कैपेबिलिटी होती है,
जो उसकी स्ट्रॉन्ग करने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है और हमारा पासवर्ड हैक नहीं होता, ब्रेक नहीं होता। ठीक है, दूसरी चीज, आप कोई भी सोशल मीडिया यूज करते हो उसमें डबल वेरिफिकेशन लगाइए। ठीक है, डबल वेरिफिकेशन मतलब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, मैं यहाँ सभी को इंटरप्ट करना चाहूंगा, मेरे को ये बताइए कौन कौन जानता है 2FA के बारे में। ओके, सो आप अपने कॉपी में लिखिए 2FA। 2FA का मतलब होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जब आप अपने किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर जब पासवर्ड बनाते हो तो उसको सिक्योर रखने के लिए, वहां पे एक फेसबुक इंस्टाग्राम ने एक आपको एक फंक्शन दिया है कि आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज कीजिए। अगर सपोज किसी हैकर ने मेरा पासवर्ड चुरा लिया, अगर किसी हैकर ने मेरा पासवर्ड चुरा लिया तो डायरेक्ट फेसबुक के यूजर नेम पासवर्ड में डालेगा तो डायरेक्ट खुल जाएगी। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या किया, टू फैक्टर ऑन कर लिया। अब उससे क्या होगा, जब वो पासवर्ड जैसे ही डालेगा, लॉगिन करेगा, तो मेरे पास उसकी डिटेल आ जाएगी। मेरे पास क्या डिटेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट इस आईपी एड्रेस से लॉगिन हुआ है और ये जगह है। उस बंदे का नाम नहीं आएगा, आईपी एड्रेस आएगा। आईपी एड्रेस का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। उससे क्या होता है, हम किसी भी हैकर्स को पकड़ सकते हैं, किसी भी विक्टिम को पकड़ सकते हैं। आईपी एड्रेस आपके सिस्टम का होता है, आपके बारे में डिटेल निकाल लेता है आपके कंप्यूटर से कि आप कहाँ से जुड़े हुए। वो किसका काम है, वो काम है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का, LEA, लिख लो LEA, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट, CBI, रो, IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये सब आते। ठीक है, गॉट इट। ओके, द सेवंथ पॉइंट इज दैट नेवर मीट एनीवन। ऐसे पर्सन से कभी मत मिलो जिसको आप जानते नहीं हो। अब ये मतलब नहीं होता कि आप ऑनलाइन और आप उसको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने लग गए। ये बहुत ही क्रिटिकल चीज़ें हो सकती है, वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कहीं और भेज सकता है, डाल सकता है। जैसे हमारा जो इंटरनेट है, इसको हम बोलते हैं सरफेस वेब। ठीक है, जिस हम इंटरनेट पे हैं, जो फेसबुक आप यूज़ कर रहे हो, जो गूगल यूज़ कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं सरफेस वेब। जब हमारा सरफेस वेब हटके एक दूसरा वेब आ जाता है, उसको हम बोलते हैं डार्क वेब। वहाँ पे डेंजरस हैकर्स होते हैं, वो डार्क वेब खतरनाक चीज़ है, उसको आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, बिना इन्फॉर्मेशन आप उस पर एक्सेस नहीं कर सकते, नहीं जा सकते। तो डार्क वेब पे सिर्फ बुरे लोग होते हैं, हैकर्स होते हैं, इलीगल चीज़ें करते हैं, ड्रग्स स्मेल स्मगलिंग करते हैं वहाँ पे, और अनवांटेड चीज़ें सेल करते हैं। तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ करते हैं, उसी इन्फॉर्मेशन को वो कुछ पैसों में बेच देते हैं, बिकॉज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तभी तो आपके पास कई बार कॉल आती है कि मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ, आपका आधार कार्ड बताइए, आपकी डिटेल बताइए, तो वो सब उसका परिणाम है। ठीक है, इसके बाद एट पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। द एट पॉइंट इज दैट अगर आप कोई भी, आपको कोई ऑनलाइन दिखे या आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखे जो आपको परेशान कर रहा है, या आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो आप किसी और को बता दीजिए। फॉर सपोज आपके फैमिली में कोई बड़ा व्यक्ति है जो आपको परेशान कर रहा है, आपको कॉल कर रहा है बार बार, आपको इलीगल एक्टिविटीज करा रहा है, जो आपको अनवांटेड चीज़ें लिख रहा है, अब्यूज वर्ड्स लिख रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, अपने किसी पर्सन को बता सकते हो, जिससे सपोज उसने कुछ आपके साथ एक्टिविटी कर दी, तो उसका आपका एक प्रूफ रहेगा आपके घर वालों के पास कि हाँ, इस व्यक्ति ने हमें परेशान करने की कोशिश की है। और डायरेक्ट रिपोर्ट भी कर सकते हो। रिपोर्ट कैसे करते हैं, कैसे होती है, मैं सब आपको ऑनलाइन सिखाऊंगा लास्ट में। ठीक है, तो ये हमारे रूल्स थे इंटरनेट सेफ्टी के। जब हम किसी भी वेबसाइट पे जाएं तो सबसे पहले हम ऊपर लॉक देखें कि हमारा लॉक लगा हुआ है कि नहीं वेबसाइट के ऊपर। अगर लॉक लगा हुआ है तो इसका मतलब वेबसाइट आपकी सिक्योर है, लॉक नहीं लगा तो इसका मतलब फेक वेबसाइट है। फेक वेबसाइट आपकी क्या काम करती है, क्राइम्स कराती है। फेक वेबसाइट से आप क्या कर सकते हैं, आप एक जाल में फंस सकते हो। ठीक है, तो उनसे बच के रहें। वेबसाइट का URL देखें, URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसमें क्या होता है, उसके अंदर आपका वेबसाइट का नाम लिखा होता है। ठीक है, सो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। और अपने जो जिस किसी साथ आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो आप उस पर इन्फॉर्म जरूर कीजिए, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो आपका कलीग हो, चाहे वो फ्रेंड हो, अगर कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रही है। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखिए, और कोई भी आपको इलीगल एक्टिविटी होते दिख रही है, आपको कोई परेशान कर रहा है, तो डायरेक्ट आप उसको रिपोर्ट कर दीजिए। ओके, सो अभी इससे रिलेटेड मैं आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को बोल सकते हो, बाकी मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। सभी जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपने डाउट से कॉपी में लिख लीजिए, लास्ट में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड। अब आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। अब स्मार्ट की डेफिनेशन मेरे को नहीं पता आपने क्या सीखी क्या नहीं, मगर स्मार्ट की डेफिनेशन आज मैं आपको सिखाता हूँ, दैट इज द साइबर स्मार्ट। स्मार्ट की फुल फॉर्म होती है S का मतलब स्टे सेफ, यानी आप किसी को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, चाहे वो लोग हो, चाहे वो कहीं प्लेस पे आपको मिले। M का मतलब होता है डोंट मीटअप। डोंट मीटअप का मतलब कि आप
आप किसी ऐसे व्यक्ति से मत मिलिए जो आपके लिए डेंजरस हो सकता है, जो आपको वर्चुअल दुनिया में मिलता है। वर्चुअल दुनिया मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हाँ, आप उसको जानते हो, आपने उसका चेहरा देखा है, हाँ आप उसने कहीं आपने उसकी फिजिकल इमेज देखी है, तो आप उससे मिल सकते हो, ठीक है। स्पेशली टीनेजर्स जिनकी उम्र 13 से 18 साल होती है, खासकर वो लोग ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड में ना फंसें। ए का मतलब होता है एक्सेप्टिंग फाइल्स, किसी भी व्यक्ति की ईमेल, पिक्चर्स, फाइल्स कभी आप एक्सेस ना करें, कभी आप उसको रिसीव ना करें अगर वो अनजान है तो, बिकॉज अगर वो अनजान हुआ तो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। वो आपका एक क्लिक के ऊपर आपका कंप्यूटर हैक कर सकता है, एक क्लिक के ऊपर आपका फोन हैक कर सकता है। ये रियल बात है, क्योंकि अगर कोई फोन हैक करना है तो आजकल वो बड़ी चीज नहीं रही, आज कोई भी वायरस भेज दो तो उसका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। आर का मतलब होता है रिलायबल, रिलायबल का मतलब भरोसेमंद। जब आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिले तो उसको पता करो कि ये आपके ये है कि नहीं, और ये आप इस पे विश्वास कर सकते हो कि नहीं। दैट इज बी स्मार्ट। लास्ट वन इज टेल, टेल समवन। आप किसी को बता दीजिए अगर आपको कोई अनकंफर्टेबल फील हो रहा है या आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए गलत है, तो आप उसको जरूर बताइए, बिकॉज उससे क्या होगा, आपके सेफ रहने की क्षमता बढ़ जाएगी। गॉट इट? नाउ वी टॉकिंग अबाउट द साइबर लॉस एंड साइबर क्राइम। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट था स्मार्ट से रिलेटेड, तो उसको भी आप राइट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको साइबर लॉस और साइबर क्राइम्स के बारे में जानकारी देने वाला हूं, ठीक है। जब हम कोई भी चीजें करते हैं, जब हम कोई भी अटेम्प्ट करते हैं हैकिंग, अब हुआ क्या, देखो अब दुनिया नई नई चीजों में जा रही है, बढ़ रही है। पहले के टाइम में क्या होता था कि आपको एमएस ऑफिस आना चाहिए, आपको एमएस पावर पॉइंट आना चाहिए, तो आपकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। अब टाइम क्या हो गया, अब एमएस ऑफिस वाले को कोई नहीं पूछता, बिकॉज आजकल जो समय आ गया है वो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। हो सकता है ये वर्ड आपके लिए नए हों, मगर इनका मतलब होता है कि अब इंसानों की जरूरत कम हो गई है और रोबोट की जरूरत ज्यादा हो गई है। अब उन रोबोट्स क्या होते हैं, रोबोट एक मशीन होती है, उसको चलाने के लिए इंसानी दिमाग चाहिए होता है, और वो इंसानी दिमाग कहाँ से मिलेगा, इंसान से ही। तो इंसान ऐसे लोगों को हायर कर रहे हैं जिनको रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, और ऐसे लोगों की हायरिंग ज़्यादा होने से जो कॉमन लोग थे जो ये करके बैठे हुए हैं, टैली, एआरपी और एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, तो इनकी डिमांड कम हो गई, बिकॉज अब लोगों को हाई लेवल की सिक्योरिटी, हाई लेवल की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो मैं आपको ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ, तो इसी इन्फॉर्मेशन में क्या हुआ, लोग अपने दिमाग को अपग्रेड करने लग गए, अपने स्किल्स को बढ़ाने लग गए, साथ के साथ उसी स्किल का लोग गलत इस्तेमाल भी करने लग गए। तो उन्हीं गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए गवर्नमेंट्स ने और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अलग अलग लॉस निकाले हैं, तो उसी को बोलते हैं साइबर लॉस, ठीक है। सो इन चीज़ों को हम बोलते हैं साइबर लॉ। ओके, नाउ मैं आपको बताने वाला हूँ साइबर लॉ होता क्या है। जनरली देखो, किसी भी चीज को साइबर लॉ एक प्रकार से एक प्रोटोकॉल, एक रूल है जिसको सेट किया गया है कि जो लोग साइबर क्राइम करें उनको हम पकड़ सके और उनको एक पनिशमेंट दे सके, ताकि वो नेक्स्ट टाइम वो काम ना करें। ये लोग बड़े डेंजरस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इतने डेंजरस है, आप इनका सुनोगे तो आपको पता लग जाएगा कि साइबर लॉ क्यों जरूरी होता है। सो एक्चुअली साइबर लॉ हमारे देश में आया था 2000 के अंदर। सो हमारा जो साइबर लॉ है वो दो नाम से जाना जाता है। फर्स्ट वन इज आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, एंड सेकेंड वन इज आईटी एक्ट 2008, ठीक है। तो 2000 आया तो उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ कम लॉज थे, 2008 में उसको बढ़ा दिया गया, और अब नए साइबर लॉज भी आने वाले हैं। सो यू कैन राइट डाउन, साइबर लॉज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द आईटी एक्ट 2000 एंड सेकेंड वन इज आईटी एक्ट 2008। ओके, साइबर लॉ किस लिए यूज किया जाता है, साइबर क्राइम को रोकने के लिए। और साइबर लॉ की जरूरत इसलिए होती है, बहुत हैकर होते हैं, ऐसे मनचले लोग होते हैं जो अपनी स्किल्स का फायदा उठाते हैं और उसी से वो लोगों को हैक करते हैं, क्राइम्स करते हैं, तो उनको रोकने के लिए साइबर लॉ बनाए गए, ठीक है। ठीक है, ऐसी हमारे पूरी दुनिया में अलग अलग साइबर लॉज बने हुए हैं। हमारे इंडिया की बात करें तो उसके अंदर अलग अलग साइबर लॉ हैं, अगर हम बाहर कंट्री की बात करें तो उसके अंदर अलग अलग साइबर लॉज हैं। तो कीवर्ड दिख रहा होगा सोपा एंड पीपा, ठीक है। तो सोपा की फुल फॉर्म होती है, आप राइट डाउन कर लीजिए, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है, SOPA, ठीक है। सोपा की फुल फॉर्म होती है सोप ऑनलाइन पायरेसी एक्ट, एंड पीपा इज द प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल एक्ट, ठीक है, प्रोटेक्ट आईपी एक्ट। ओके, और आपकी
प्राइवेसी आपसे रिलेटेड होता है, पायरेसी किसी सॉफ्टवेयर से या किसी हार्डवेयर से रिलेटेड होता है। पायरेसी का मतलब दो नंबर से गलत इस्तेमाल तरीके से उस चीज को यूज करना, क्रैक करके, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पायरेसी, ठीक है। तो साइबर लॉ आपको समझ में आ गया, और इम्पोर्टेंस किस लिए जरूरत है इसलिए का तो मैंने आपको बता दिया। और जब आप कोई भी क्राइम करते हो तो आप उसके थ्रू एक अच्छी खासी पनिशमेंट मिल सकती है आपको, ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसे कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, तो आप इनको बिल्कुल इनसे वो मत होना, या आप इसको फैमिलियर होना पड़ेगा, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इन्होंने कहा है व्हाट इज कोपा, सो कोपा इज ऑल्सो ए एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट होता है। इसके अगर आप कोपा के अंडर फंस गए या किसी क्राइम में आ गए तो आपको नॉर्मली 5 साल की जेल हो सकती है, ठीक है। तो हमारा कोपा क्या होता है, राइट डाउन, COPPA, चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। ऐसे बहुत ज्यादा लॉज होते हैं, जब आप साइबर लॉ के बारे में पढ़ोगे, जब आप मूव ऑन करोगे तो आपको बहुत चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो ये सबसे डेंजरस एक्ट होता है, अगर इसमें कोई टीनेजर फंस जाता है तो उसको 5 साल की जेल हो सकती है, 3 लाख जुर्माना, ठीक है। अभी मैं आपको जुर्माने के बारे में बात करूंगा, पनिशमेंट क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। सो ये आपका कंप्लीट हो गया साइबर लॉस एंड क्राइम, इसके अंदर अलग अलग एक्ट्स होते हैं, उनके बारे में आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आईटी एक्ट 2000, जितने हमारे साइबर क्राइम आते हैं, ये हमारे एक कॉमन टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं आईपीसी। आईपीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन पिनल कोड, ओके, इंडियन पिनल कोड। जैसे मैं बोल देता हूँ धारा 444, धारा 320, धारा 370, ठीक है। तो ये हमारी धारा है, आईपीसी का मतलब इंडियन पिनल कोड, ठीक है। तो ये हमारे कोड हैं, तो ये साइबर क्राइम के कोड्स होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कुछ स्पेशल लॉज बनाए हुए हैं, कुछ सेक्शंस हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ, अगर आपको दिख नहीं रहे तो मैं आपको उसमें भी हेल्प करूंगा। ऑफेंस का मतलब होता है जो आप क्राइम करते हैं वो, और सेक्शंस का मतलब होता है जिसके थ्रू आपको धारा मिलती है, ठीक है। तो अगर हम किसी को ईमेल भेज दें गलत तरीके से डराने वाला कि तुम्हारे को फांसी पे लटका दिया जाएगा, तुम्हारे को मैं ये चुनौती दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे को मरवा सकता हूँ, मैं तुम्हारे को तुम्हारा मर्डर कर दूंगा, तो ये सारे क्या है, एक डराने वाले ईमेल्स, डिफेमेटरी मैसेजेस बोलते हैं इनको। सो ये एक्ट आती है हमारी 503, ठीक है, सेक्शन 503 और 499 आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, ठीक है। इसके बाद अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के साथ फ्रॉड्स करते हो तो आप धारा 463 के तहत अंदर जा सकते हो, ठीक है। किसी फेक वेबसाइट, बोगस वेबसाइट पे आप साइबर फ्रॉड कर सकते हो, किसी का गलत कर रहे हो तो उसके थ्रू आपको धारा 420 लगेगी, क्योंकि आपने सुना होगा बहुत इंपॉर्टेंट है 420, 420 सी केस में फंस जाते हैं ना लोग, तो उसी को बोलते हैं 420, ठीक है। ईमेल स्पूफिंग, अब देखो मेरा नाम है पवन, ठीक है, मैं एक कम्युनिटी रन कर रहा हूँ जिसका नाम है मिशन आईटी एजुकेशन। मैं आप सभी स्टूडेंट को मैसेज करता हूँ कि मिशन आईटी एजुकेशन से मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, ये मेरा एक आपका सेशन होने वाला है साइबर अवेयरनेस के ऊपर, साइबर क्राइम के ऊपर। तो उसके केस में क्या हुआ, वो एक बिल्कुल लीगल टर्म है, हम सही कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँ, मैं उड़ान फाउंडेशन से आपको मैसेज कर दूँ, ठीक है, admin@udaan.com। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने एडमिन बन गया मैं उड़ान फाउंडेशन का, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मैं उड़ान फाउंडेशन से मैसेज नहीं कर सकता, पर मैं कर सकता हूँ, अगर वो वल्नरेबिलिटी, वो कमी आपकी फाउंडेशन में हुई, उसको बोलते हैं हम SPF रिकॉर्ड, स्पूफ रिकॉर्ड, ठीक है। अगर वो मेरे को कमी मिली तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, आपको लगेगा कि हमारे सर ने भेजा है उड़ान फाउंडेशन के मैनेजर या ओनर ने, और वो रियल में क्या होगा वो मैं भेजूंगा, बिकॉज मैं आपकी क्या कर दूंगा, ईमेल स्पूफ, फेक ईमेल को बोलते हैं स्पूफिंग, ओके। या मैं ऐसी फेक ईमेल यूज करूँ जीमेल के अलावा, जिससे आपको लगे कि भाई ये रियल ईमेल है, और उससे मैं आपका कुछ लॉस कर दूं, उससे मैं आपको किसी साइबर फ्रॉड में फंसा दूं, तो उसको हम बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग। ये हमारी धारा 500 में लगती है। और वेब जैकिंग, वेब जैकिंग का मतलब आप किसी वेबसाइट को हैक करते हो, किसी के अकाउंट को हैक करते हो, तो वो हमारा धारा 383 के अंदर आता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्राइम्स होते हैं, साइबर लॉस के अंदर काउंट किया जाता है इनको, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, अब जैसे ही हमारा साइबर क्राइम बढ़ रहा है, ऐसे हाई लेवल के क्राइम है, जैसे कि हम किसी को ड्रग बेच रहे हैं ऑनलाइन, ये सबसे खतरनाक क्राइम है, 7 साल की जेल है इसके अंदर, ठीक है, 3 लाख जुर्माना। और आप किसी को ऑनलाइन हथियार बेच रहे हो, दैट इज द आर्म्स, व्हेन यू सेल एनीवन ऑनलाइन आर्म्स,
सो यू आर अंडर द आर्म्स एक्ट, उसके थ्रू आप 10 साल की जेल हो सकती है आपको और आपको 7 लाख जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों से बच के रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप इनको नहीं जानोगे तो आप साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हो। कोई आपको बोले कि ऐसा करो तो उससे भी बच के रहिए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ कितने साल के लिए अंदर हो सकता है लोग अगर वो साइबर क्राइम का हिस्सा बनेगा, ठीक है। मैं किसी कंप्यूटर के साथ छेड़कर खाटिंग करता हूँ, टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्सेज डॉक्यूमेंट, इसमें लगेगा हमारा सेक्शन 65, ठीक है। मैं किसी का कंप्यूटर हैक कर लेता हूँ, उसका डेटा चेंज कर देता हूँ, सेक्शन 66 के थ्रू अंदर जा सकता है वो, ठीक है। किसी को मैं ऐसे ओब्सीन कंटेंट भेज रहा हूँ जो कि मतलब हमारे सोसाइटी में हमारे लिए अच्छे नहीं होते, ठीक है। यानी जो हम किसी को ऑप्शन कंटेंट ऑप्शन मैसेज भेजते हैं वो हमारा 66A होती है। ये सारी धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट डाउन कर लो, ठीक है। साइबर टेररिज्म 10 साल की जेल अगर आप किसी के साथ देते हो किसी टेररिस्ट का साइबर एक्टिविटीज में हैकिंग के अंदर, तो आपको सेक्शन 66 के थ्रू जेल हो सकती है, ठीक है। फ्रॉड कर सकते हो किसी के साथ, किसी का चुराए हुआ माल यूज कर रहे हो, कंप्यूटर फोन बहुत लोग करते हैं, सेक्शन 66B के थ्रू आपको जेल हो सकती है, ठीक है। कितना भुगताना पड़ना पड़ेगा बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये हमारा 66 सेशन है, अगर आप किसी भी कंप्यूटर के साथ किसी भी फोन के साथ हैकिंग करते हो और आप पकड़े जाते हो, आपका आईपी एड्रेस, आपका मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जो फिजिकल एड्रेस होता है जिससे आपका लैपटॉप गुम हो जाता है, ट्रेस किया जाता है, अगर वो मिल गया और आप फंस गए तो आपको 3 साल की जेल और 2 लाख जुर्माना भरना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा इंडियन पेनल कोड बोलता है साइबर सिक्योरिटी का, साइबर लॉज होते हैं इसमें। किसी का डेटा डिलीट कर देते हो, किसी की इंपॉर्टेंट फाइल को डिस्ट्रॉय कर देते हो, किसी वेबसाइट को हैक कर देते हो, तो ये सारी धाराएं आपको लग सकती है। ये किसी के लिए कंपलसरी नहीं है, किसी के लिए जरूरी नहीं है। साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर गलती से कर देता है तो उसके पास एक लाइसेंस होता है जिसको दिखा के अपने आप को गिल्टी फील करा सकता है और कह सकता है सर नेक्स्ट टाइम आई विल बी फोकस इन दिस थिंग, आई जस्ट प्रैक्टिस ऑल द स्टफ, सो उस केस में वो बच भी सकता है। मगर एक स्टूडेंट इस चीज में आ गया तो उसको एक खासी अच्छी जेल हो सकती है जो उसका कंप्लीट करियर डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। अब बात करते हैं काम की, आप ये काम की, ठीक है, कि इथिकल हैकिंग होती क्या है। जनरली मैं आपको बता देता हूँ, हैकिंग 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। हैकिंग इज 3 टाइप्स। हैकिंग का मतलब होता है बिना किसी के परमिशन के आप कोई चीज एक्सेस कर लेना। हैकिंग इज द प्रोसेस, हैकिंग इज द आर्ट इन विच यू कैन एक्सेस एनी स्टफ कंप्यूटर और मोबाइल विदाउट एनी एक्सेस, विदाउट एनी ऑथराइज्ड एक्सेस, दैट इज कॉल्ड द हैकिंग। अनऑथराइज्ड एक्सेस को हम हैकिंग बोलते हैं। इसमें 3 टाइप्स होते हैं, हैकिंग हैव 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज ब्लैक हैट हैकिंग, सेकेंड वन इज ग्रे हैट हैकिंग, थर्ड वन इज व्हाइट हैट हैकिंग, ठीक है। सो ये हमारे क्या होते हैं, ये अलग अलग हैकिंग की क्वालिटी होती है, अलग अलग उसके अंदर हैट्स होती है डिफरेंट टाइप्स की, तो उसी का ही पार्ट होता है जनरली। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ अलग, आप डिपेंड करता है आप कौन से टाइप की हैकिंग कर रहे हो, ठीक है। अगर आप गलत कर रहे हो तो उस केस में आपके साथ गलत व्यवहार होगा, आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। आप सही कर रहे हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ विथ माई नोट्स। सो मैं आपको देखो टाइप्स बताने वाला हूँ हैकिंग के, और इथिकल का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ के अंदर लीगल प्रैक्टिस करते हैं, लीगल मतलब प्रमाण के साथ, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इथिकल। और हैकिंग का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की आप कोई भी इंफॉर्मेशन चुरा लेते हो बिना उसकी परमिशन के, तो उसको हैकिंग बोलते हैं। और जब उसके आगे इथिकल लग जाए तो इथिकल हैकिंग होती है। अब कोई हैकिंग हम परमिशन के साथ करते हैं, किसी का एक्सेस लेके उसके परमिशन के अनुसार उसकी सिक्योरिटी हाई करने की, तो उसको हम इथिकल हैकिंग बोलते हैं और इसी फील्ड को साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी अच्छे स्कोप होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, और अपना कैरियर इसके अंदर आप अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का मानना होता है कि हैकिंग हमारे इलीगल है, पर ये मिसकंसेप्शन अब दूर हो गई है, बिकॉज अब हैकर्स को अच्छा खासा पेमेंट भी मिलती है, अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं अच्छे कामों के, ठीक है, जिनको हम वाइट हैट हैकर्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ टर्म्स लिखवा रहा हूँ, आपको राइट डाउन कर सकते हो आप। तो हैकर्स बहुत ही मंझे हुए लोग होते हैं, बहुत ही स्किलफुल लोग होते हैं, जिनको टेक्निकल नॉलेज होती है, और उसी टेक्निकल नॉलेज का इस्तेमाल करके वो सभी को इजिली सिक्योर करते हैं, ठीक है। इथिकल क्लियर नहीं हुआ सर, ओके। देखो इथिकल का मतलब होता है लीगल, ठीक है। अब मैं किसी की वेबसाइट हैक करूं, कोई मेरे को बोले कि आप हैक कर दो,
मेरा अकाउंट हैक कर दो, मेरा फेसबुक हैक कर दो, तो मैं करूंगा। तो मैं क्या किया, मैंने उसका किसी और का हैक कर दिया उसके कहने पे, दैट इज इलीगल, दैट इज अनइथिकल। अब मेरे को कोई कंपनी कहती है सर हमारा ये वेबसाइट है ये हैक हो गई, इसको सिक्योर करो, या सर ये हमारी वेबसाइट को हैक होने से बचाओ, तो वो क्या हुआ, इथिकल। अब कोई डाउट आपको? ओके गुड, ठीक है। अब हम जानते हैं दूसरे हमारे टॉपिक पे, दैट इज द टाइप्स ऑफ हैकर। हैकर के अलग अलग टाइप होते हैं, अब ध्यान रखो, अब वो डिपेंड करता है इथिक्स उसके अंदर से कितने आ रहे हैं। इथिक्स का मतलब वो लीगल इश्यूज, लीगल अथॉरिटीज। अगर वो हैकिंग कर रहा है तो उसको सब पता है कि हैकिंग कैसे होती है, गलत कैसे होता है, अच्छा कैसे होता है। अब वो इथिक्स उसके अंदर कैसे आ रहे हैं, वो उसकी उसकी क्वालिटी, उसके माइंडफुल के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। सो मैं आपको बताने वाला हूँ तीन टाइप के जो हैकर होते हैं उनके बारे में। सो फर्स्ट जो हैकर होते हैं उनको हम ब्लैक हैट हैकर बोलते हैं। ये वो बुरे लोग होते हैं, बैड पीपल्स होते हैं, जो हमारा क्या काम करते हैं, जो हमारे रिसोर्सेज का गेन करते हैं, एक्सेस करते हैं। सपोज मेरा फोन है उसको हैक कर लिया बिना मेरी परमिशन के, ठीक है, तो वो हमारे हैकर्स हो गए। किसी का अकाउंट हैक कर लिया, किसी के पैसे निकाल लिए, किसी के साथ ब्लैकमेल कर दिया किसी को, तो ये सारे बुरे लोग होते हैं, ठीक है। इनमें से बड़े बड़े ग्रुप है दुनिया के, फेमस ग्रुप, इनका नाम मैंने लिखा हुआ है, ये ब्रोकन शेडो ब्रोकर्स, लुलसैक, लीजियन हैकर्स। तो ये वो लोग होते हैं जो बड़े बड़े अलग अलग कंट्रीज को धमकी देते हैं कि मैं ये हैक कर दूंगा, मैं वो हैक कर दूंगा। मगर ये ध्यान रखना इनके आगे पीछे कोई नहीं होता इनको बचाने वाला, अगर ये फंस गए तो सीधा अंदर, ठीक है। सो ये ब्लैक हैट हैकर होते हैं जो कि बहुत ही गलत और इलीगल लोग होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ वाइट हैट हैकर की, ठीक है। वाइट हैट हैकर वो लोग होते हैं जो आपका सिस्टम हैक करते हैं मगर आपकी परमिशन लेके, जो आपका सिक्योरिटी को टाइट करने के लिए, ठीक है। इसमें कुछ अच्छे नाम है जैसे त्रिस्मित अरोड़ा, राहुल त्यागी, अभिजीत सिंह, संजीव मुल्तानी, प्रभांकर त्रिपाठी, और मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। सो मैं आपको किसके अंदर दे रहा हूँ, मैं साइबर सिक्योरिटी के वाइट हैट हैकर के अंदर दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं आपको इलीगल नहीं सिखा रहा, मैं आपको लीगल सिखा रहा हूँ, आपको ऑथराइज चीजें समझा रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे लोगों को हम पेनिट्रेशन टेस्टर बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले मैंने आपकी जो मेरी प्रोफाइल शो करी थी, तो मैंने उसको आपको मेंशन किया था कि मैं एक प्राइवेट पेनिट्रेशन टेस्टर हूँ, मतलब मेरे पास जो सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं उनको सोल्व करता हूँ, तो दैट इज पेनिट्रेशन टेस्टिंग, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट वन इज ग्रे हैट हैकर। ये वो लोग होते हैं जिनको दोनों टाइप की हैकिंग आती है, ये किसी का एक्सेस हैक करना भी जानते हैं, किसी का सिस्टम और किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने भी जानते हैं। ग्रे हैट हैकर इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक हैट हैकर एंड वाइट हैट हैकर, ठीक है। तो इसमें कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। तो आपने देखा होगा कई लोग मास्क लगा के घूमते हैं, उनको हम एनोनिमस हैकर्स बोलते हैं, ठीक है। मास्क लगाना कोई हैकर बन जाना नहीं होता, मगर जो वो लोग हैक करते हैं तो वो एनोनिमस ग्रुप करता है, ठीक है। ऐसे एक बंदा है उसका नाम है एडवर्ड स्नोडन, ये CIA FBI के साथ काम करता है, ये दोनों काम करता है, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और ब्लैक हैट हैकिंग भी करता है। इसका नाम एडवर्ड स्नोडन, ये भारत देश के हैं, ठीक है। अब इसके बाद कुछ कैटेगरी आती है, इन कैटेगरी को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक कैटेगरी जिसका नाम है स्क्रिप्ट किडी, स्क्रिप्ट किडी, ये वो लोग होते हैं जो हैकिंग दुनिया में आ जाते हैं और ये हैकिंग को कहीं से देख सीख लेते हैं, जैसे कि किसी YouTube से सीख लिया, किसी ब्लॉग से पढ़ लिया, कहीं और से सीख लिया, मगर उनको ये नहीं पता ये चीज़ें हुई कैसे। मैंने किसी का अकाउंट हैक किया तो मैंने कैसे किया, उनको ये नहीं पता। उनको ये पता है कि ये ऐसे हुआ, ये स्टेप ऐसे हुआ, कॉपी पेस्ट, दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट किडी। उनको हैकिंग की नॉलेज नहीं होती, वो सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करना जानते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट किडी। और ये लोग फंसते बहुत जल्दी है, ठीक है। जैसे किसी का अकाउंट हैक कर दिया, किसी के पैसे निकाल लिए, फिर उसको CBI ने पकड़ लिया, उसको STF ने पकड़ लिया, स्पेशल टास्क फोर्स ने, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, तो ऐसे लोग फंस जाते हैं। नूब्स वो लोग होते हैं जो इस फील्ड में नए होते हैं, नए का मतलब जैसे मैंने आज आपको ट्रेनिंग दी, तो आप मेरे लिए क्या हो, नूब। यू आर टेक्निकल बेबी हु इज जस्ट अराइव्ड इनटू द साइबर सिक्योरिटी फील्ड। एक दिन में कोई हैकर नहीं बन सकता, एक दिन में कोई साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर नहीं बन सकता, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होता है, बहुत स्किल्स आपको गेन करनी पड़ती हैं, ठीक है। मैं आपको एक पूरे दिन की ट्रेनिंग दे दूं तो वो हैकर नहीं बन सकता, वो वाली बात हो गई कि आपने वहाँ पे पैसे अपने खर्च कर दिए उस वर्कशॉप के लिए और आपको कुछ नहीं मिला, ठीक है। आपको मैं साइबर अवेयरनेस दे रहा हूँ, हैकिंग करने के लिए, हैकर बनने के लिए एक इथिकल आपको एक लॉन्ग ड्यूरेशन देना पड़ता है, 4 से 6 महीने तो आपको बेसिक सीखने में लग जाता है, ठीक है। मैं आपको उसकी ट्रेनिंग अभी प्रोवाइड करूँगा कैसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके बाद एक कैटेगरी होती है क्रैकर्स, ये वो लोग होते हैं
जो बोलते हैं कि मैं किसी का फेसबुक अकाउंट हैक कर दूंगा, किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर दूंगा। देखो, फेसबुक अकाउंट हैक करना, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करना, वाईफाई पासवर्ड हैक करना, ये आपको कभी भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर बड़ी जॉब नहीं दिला सकते, बिकॉज ये खेल छोटे छोटे स्क्रिप्ट किडीज का होता है जो लोग करते हैं। हम क्या करते हैं, हम वेबसाइट की कमियां निकालते हैं, हम वेबसाइट के अंदर ऐसी चीजें निकालते हैं जिससे वो वेबसाइट हैक हो सकती है, उस वेबसाइट की कमियों को ओनर को बताते हैं, ओनर हमें रिवॉर्ड देता है, बग बाउंटी देता है, और ज्यादा से ज्यादा हमें अप्रिसिएशन देता है। हम उस चीज को सिक्योर करते हैं, हम उसको हैक नहीं करते, मगर हम जानते हो हैक कैसे होती है। ठीक है, तो इथिकल हैकर सबसे बड़ा होता है जो जानता है कैसे हैक होती है। क्रैकर को नहीं पता, क्रैकर इतना जानता है क्रैक कैसे करनी है, उसके बाद वो भाग जाएगा। ठीक है, और वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के आ जाता है कि मेरे को लगेगा कि मैं फेक हूँ, अपना आईपी एड्रेस छुपा देगा और हमें लगेगा वो फेक आईपी एड्रेस उसी का ही है, मगर वो रियल में ऐसा होता नहीं है, तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो क्रैकर वो लोग होते हैं जो मैलिशियस पर्पस के लिए, गलत कामों के लिए इस स्किल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, ठीक है, आप राइट डाउन करना चाहो तो रख सकते हो इस इन्फॉर्मेशन को। सो कुछ हमारी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है, जैसे कि हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पासबुक, पासवर्ड, ठीक है, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, यूजर नेम, पासवर्ड, एम्प्लॉय डिटेल, ये सब हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। इसके बाद हमारी दूसरी टाइप की इन्फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैंक डिटेल्स, लॉगिन क्रेडेंशियल, सीवीवी नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक डिटेल, पासबुक, एटीएम, ये सब हमारी क्या है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इसके बाद थर्ड वन, हेल्थ इन्फॉर्मेशन। हेल्थ इन्फॉर्मेशन जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड, मैं किसी हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और वहाँ पे मेरी कुछ डिटेल्स हैं, तो वो हमारी किसके अंदर आएगा, हेल्थ डिटेल्स के अंदर। तो इसमें हमारी हॉस्पिटल की पॉलिसी, पेशेंट डिटेल, प्राइवेट डिटेल, एम्प्लॉय आईडी, डिजीजेस और बहुत चीज़ें। ठीक है, इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, प्राइवेट डॉक्यूमेंट, जैसे आपका रेज्यूमे, पासपोर्ट, आपका पासबुक और आपकी आईडी, आइडेंटिटी, आपकी पहचान। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ध्यान रखो, जो मैं आपको सेशन दे रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन्फॉर्मेशन आप कहीं भी शेयर मत कीजिए, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर दोगे तो आप एक साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं। ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन इतनी कॉन्फिडेंशियल है, इसी के बेस पे मैं आपकी सारी डिटेल निकाल सकता हूँ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड, हम आगे चलते हैं। सो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। सो लोग हैकिंग क्यों करते हैं, क्या उनका मकसद होता है, वो हैक करते हैं, क्या उनका मोटिव होता है, तो एक एक स्टूडेंट मेरे को बता सकता है, जिसको पता है अपना माइक ओपन कीजिए, एक स्टूडेंट और मेरे को बताइए। सही बात, बिल्कुल राइट। ठीक है, रूबी गौतम सेज रिवेंज में भी, यस रिवेंज। और कोई शेयर करना चाहेगा अपने आइडिया? बिल्कुल सही बात है, फन के लिए करते हैं, अपने आप को शो करने के लिए। और कोई? ठीक है, आई थिंक आपको आइडिया लिख लग गया, बताइए फिर से। क्या करने के लिए? बिल्कुल, नेम फेम के लिए, कई ब्लैकमेल के लिए करते हैं, बिल्कुल सही बात है प्रकृति शर्मा। ओके गुड, तो इसका मतलब आपको जो मैं सेशन समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है, राइट? और आई होप आपको अच्छा भी लग रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से बेस्ट एफर्ट कर रहा हूँ आपके लिए। ओके गुड, सो अब मैं आपको शेयर करने वाला हूँ क्या क्या रीजंस होते हैं। आपने एक इम्पोर्टेंट रीजन नहीं दिया कि हम नेशनल सिक्योरिटी को, डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी हम हैकिंग स्किल्स का यूज करते हैं। ठीक है, वो इथिकल हैकिंग है, वो अलग चीजें हैं। ठीक है, सो ये मैंने कुछ चीजें शेयर की हैं, आप इनको राइट डाउन कर सकते हो जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, और ये बहुत ज्यादा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं साइबर सिक्योरिटी के, उसमें पूछी जाती चीजें। ठीक है, तो पहला हमारा जो मोटिव है वो भी हो सकता है, ठीक है, डिफेम, रिवेंज, किसी का बदला लेना, किसी की इन्फॉर्मेशन चुराना, किसी की इन्फॉर्मेशन लीक कर देना, और पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैकर्स को हायर करते हैं, ठीक है, किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है डिजिटल स्पेस को सिक्योर करने के लिए, इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी रीजन। फॉर एग्जाम्पल, टिकटॉक बैन हुआ है, तो टिकटॉक का सबसे बड़ा रीजन क्या था, वो हमारे इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को, कंसर्न को डिफेम कर रहा था, उससे चाइना वाले उस चीज को एक्सेस कर रहे थे, इसलिए टिकटॉक को बंद किया गया। इसलिए नहीं किया गया कि वहां पे
आपकी वीडियोस रन हो रही थी तो उससे लोग बिगड़ रहे थे या चेंज हो रहे था माइंड उनका, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इंडियन आर्मी के अंदर 89 एप्लीकेशन बैन हो गई है, ठीक है, ऑफिशियली दिल्ली कोर्ट ने बताया है कि इंडियन आर्मी के अंदर अगर ये किसी ने 89 एप्लीकेशन रन की तो वो कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, ठीक है, फेसबुक भी है उसके अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, याद रखना है, ऐसी चीज़ें से अपडेट रहना चाहिए अगर आप इस डोमेन में कैरी ऑन करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, सो आप ये चीज़ें जानना जरूरी है आपको, ठीक है, नॉलेज होनी कंपलसरी है, ठीक है, एप्लीकेशन रन करना, ठीक है। देखो इंडियन आर्मी क्या है, एक हमारी सबसे सिक्योर डोमेन है, इंडियन आर्मी एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल की होती है। अगर किसी दुश्मन कंट्री को पता लग गई तो हमारे आर्मी को वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो एप्लीकेशंस क्या होती है, गूगल क्या है, जब आप गूगल को चलाते हो तो सबसे नीचे आपकी मैप इंफॉर्मेशन आती है, आप कहाँ से कहाँ हो फिलहाल, ठीक है। आप मेरे को कोई भी ईमेल आईडी दे दो, मैं आपको ये बता सकता हूँ आज आपने पूरे दिन में क्या क्या किया, ठीक है, उसका एक्सेस, पासवर्ड, यूजर नेम, क्योंकि उसके अंदर फंक्शंस हैं, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने आज क्या देखा, मैं कहाँ गया, मैंने कौन सी एप्लीकेशन चलाई, मैं कहाँ पे लॉगिन हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, ये क्या है, ये आपका गूगल आप पे नज़र रखता है, आपको नहीं पता इस चीज़ के बारे में, गूगल सब पे नज़र रखता है, एंड्रॉयड में उसका गूगल प्ले स्टोर है, सब है। तो जो हम हैकर्स होते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी फील्ड के लोग होते हैं, वो गूगल को छोड़ के दूसरे ब्राउजर यूज़ करते हैं, ठीक है। गूगल के अलावा डक डक गो है, मोजिला फायरफॉक्स है, ऐसे ही ओपेरा वीपीएन है, तो ऐसे कई चीज़ें होती है ब्राउजर जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारी इंफॉर्मेशन को उठाता नहीं है। तो आप इनकॉग्निटो मोड होता है गूगल के अंदर, ठीक है, जिसको आप यूज़ करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन को छुपा सकते हो। सो फिर इंडियन आर्मी के अंदर इसको बैन करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था, बिकॉज टिकटॉक से हमारे कंट्री के अंदर ये पता लग रहा था कि वो बंदा है कहाँ का। जब मैं टिकटॉक की सोर्स कोड देखता हूँ, जब पता लगाता हूँ, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है, जब कोई भी टिकटॉक यूज़र अपडेट करता है तो उनके डेवलपर जो वो ये पता लगा सकते हैं किस व्यक्ति ने कहाँ से वीडियो अपलोड की। तो एक सिक्योरिटी कंसर्न था, एप्पल जो सबसे बड़ी कंपनी है उसने बोला ये बात कि टिकटॉक सबकी इंफॉर्मेशन चुरा रहा था, ठीक है। सो इसी वजह से अब फेसबुक को बंद इसलिए किया गया कि फेसबुक में भी एक फंक्शन होता है लोकेशन का, तो कोई भी उसका यूज करके आ सकता है। तो बहुत साल से ये पेंडिंग था ये डिसीजन, अब इंडियन आर्मी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और सारी जो गलत एप्लीकेशन थी सो वो उन्होंने बैन कर दी। मैं आपके अनिल सर को सेंड कर दूंगा, वो आपको शेयर कर देंगे कौन कौन सी एप्लीकेशन है वो जो बैन किए इंडियन आर्मी में, ठीक है। चाइना की तो सभी बंद है, अब और भी बंद कर दिए। अब मैं आपको साइबर टेररिज्म के बारे में बता रहा हूँ। यस अंकित, देखो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, आप डार्क वेब चला क्यों रहे हो, टेल मी। इंफॉर्मेशन गूगल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको मेरे को बताइए आपको क्या सर्च करना है, मैं गूगल से निकाल के दे दूंगा। व्हाट इज योर एज, ठीक है, 13 से लेकर 18 साल वाले डार्क वेब एक्सेस मत करो, ठीक है। कुछ चीजें होती है डार्क वेब के अंदर जो आपको एक प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। डार्क वेब बेसिकली क्या है, क्या एक ऐसा वेब है, एक ऐसा इंटरनेट है जहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज होती है, ठीक है। टोरेंट का नाम सुना है अभी आपने कभी, ठीक है। टोरेंट को हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, सॉन्ग डाउनलोड करने के लिए, वीडियो डाउनलोड करने के लिए, पर आपको ये नहीं पता जब आप कोई वीडियो डाउनलोड करते हो तो वो कहीं और चली जाती है उसका लिंक, उसको हम बोलते हैं क्लिक जैकिंग, यानी आपके क्लिक से आप हैक हो सकते हो। वो क्लिक आपने किया, आप हो सकता है आपने अपने सिस्टम के ऊपर फेसबुक लॉगिन कर रखी हो और वो लिंक डायरेक्ट उसको फेसबुक को अटैक करेगा और आपके लॉगिन इन्फॉर्मेशन चुरा लेगा, ठीक है। डार्क वेब का सेशन ऐसा होता है, डार्क वेब के अंदर हम ऐसे जा नहीं सकते, उसके लिए एक स्पेशल ब्राउजर होता है, उसके थ्रू जाते हैं, ठीक है। आप अंडर 18 हो तो आपको ये भी नहीं पता कि वो ब्राउजर को हम कैसे प्रॉपर कन्फिगर करते हैं, आपको ये तो पता है ब्राउजर कौन सा है, ठीक है। टोर ब्राउजर के थ्रू आप एक्सेस कर लोगे, मगर आपको ये नहीं पता कन्फिगर कैसे करना, ठीक है। तो आफ्टर सेशन मेरे पास कुछ रिसोर्सेस हैं जो आपको किसी इंटरनेट पे जाने की जरूरत नहीं है, डार्क वेब पे वो आपकी हेल्प कर देंगे हैकिंग में, ओके। बिल्कुल मेरे पास सब कुछ है, जब स्लाइड खत्म होगी तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके ओके नो प्रॉब्लम। सो बेसिकली आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, यहाँ सब सीखने के पर्पज से ही है। अब डिपेंड ये है आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीख चुके हो और ये बिल्कुल नए फील्ड में है, ओके। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बिल्कुल जीरो लेवल से सिखा रहा हूँ मैं आपको, और आपको मेरे को ये बता दीजिए
आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई अभी जो मैं समझा रहा हूँ? ओके ओके, इसलिए मैं छोटी टर्म्स में यूज कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को पता है कि स्टूडेंट किस टाइप से समझते हैं। सो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसमें आपका डार्क वेब कवर होने वाला है, ठीक है? और वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है, वो आपके लिए हेल्पफुल भी हो सकता है, ओके? सो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ साइबर टेररिज्म के ऊपर। टेररिज्म का मतलब होता है आतंक, और साइबर का मतलब होता है जो हमारा डिजिटल वर्ल्ड है और इसको हम इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये हमारा होता है डिजिटल आतंक, ठीक है? तो जो आतंकवादी होते हैं उनको हम टेररिस्ट बोलते हैं, और जो टेररिज्म करते हैं वो आतंक फैलाते हैं, ठीक है? इससे तो आप सभी फैमिलियर हो। सो अब होता क्या, टेररिस्ट आपसे जुड़ने का, टेररिस्ट क्या काम करते हैं, उनको भी हैकर्स की जरूरत है। वो भी चाहते हैं मैं इंडिया को हैक करूं, वो भी चाहते हैं मैं रशिया को हैक करूं, वो भी चाहते हैं मैं पाकिस्तान को हैक करूं। तो वो क्या काम करते हैं, वो एक अपनी टीम बनाते हैं, उनको बोलते हैं साइबर हैकिंग स्क्वाड, ठीक है, साइबर स्क्वाड। तो एक टीम बनाते हैं, उसमें सारे गलत तरीके के हैकर्स होते हैं, ब्लैक हैट हैकर। वो क्या करते हैं, वो टेररिस्ट आपस में डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या तरीका है जिससे हम इंटेलिजेंट टैलेंटेड हैकर्स को पा सकें, बिकॉज उनके पास इतनी टैलेंट नहीं होता, बिकॉज दे आर जस्ट टेररिस्ट। उनको गन चलाना आता है, उनको ये नहीं पता कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, कंप्यूटर हैकिंग कैसे होती है, मगर उनको टैलेंटेड लोगों की जरूरत होती है। तो क्या करते हैं, उनको बाउंटी प्रोवाइड करते हैं। बाउंटी का मतलब पैसे, हो सकता है पैसे आपको किसी रूप में दे सकते हो, आपको पेमेंट के रूप में दे दें, या आपको किसी रिवॉर्ड अवार्ड के रूप में दे दें। तो क्या करते हैं, वो आपके अलग अलग ग्रुप को सर्च करते हैं, जैसे कि अब ये क्या होता है, कॉमन ग्रुप जो होते हैं वो व्हाट्सएप का ग्रुप हो गया, टेलीग्राम का हो गया, उसमें हैकर अगर आ भी गया तो बिना आपके नंबर आ नहीं सकता, ठीक है, व्हाट्सएप के अंदर, जब तक आपकी इन्फॉर्मेशन उसको नहीं जाएगी। मगर ऐसे ग्रुप भी होते हैं जो आपको बिना नंबर चलते हैं, जहाँ पे आप लॉग इन करो और आपको कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो वो ग्रुप पाए जाते हैं डार्क वेब के ऊपर। डार्क वेब और डीप वेब, ये ऐसे वेब है जहाँ पे इलीगल चीजें मिलती है, जहाँ पे हैकिंग का वो पार्ट मिलता है जो गलत तरीके इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, गलत हैकिंग यूज की जाती है, जिसको हम ब्लैक हैट बोलते हैं। वहाँ पे हैकर इसी की ट्रेनिंग देते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो यहाँ ट्रेनिंग लेता है, और उनसे वो बात करते हैं एक अच्छे फ्रेंडली मैनर से, ईमेल कन्वर्सेशन से, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से। सबसे बड़ा टारगेट होता है गेमिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू। कई ऐसे ऐसे डिस्कॉर्ड सर्वर्स होते हैं, डिस्कॉर्ड एक सर्वर है, ऐसे अलग अलग सर्वर्स होते हैं, उन पे लोग क्या करते हैं, गेम खेलते हैं, और वो अलग अलग चैट बोर्ड्स होते हैं, उनको बोलते हैं IRC, राइट डाउन कर सकते हो IRC, इंटरनेट रिले चैट, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, IRC के अंदर अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, और उनको टारगेट करते हैं और उन लोगों से जुड़ जाते हैं। अब उनका मकसद होता है इन्फॉर्मेशन को डैमेज करना, किसी की इन्फॉर्मेशन डेटा लॉस्ट करना, और उसी का इस्तेमाल करके उस कंट्री के लोगों को अपने अंदर जोड़ना, दैट इज कॉल्ड द साइबर टेररिज्म। और ये एक ऐसी सजा होती है जो सबसे ज्यादा है, 10 साल की सजा होती है, चाहे आप टीनेजर हो चाहे आप बड़े लोग हो। टीनेजर हो गए तो आपको बच्चों वाली जेल में रखेंगे, अगर आप बड़े हो गए तो आपको एक सजा मिल जाएगी, और इसका 5 लाख जुर्माना होता है। अब एक मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति नहीं अफोर्ड कर सकता, अपना घर गिरवी रखना पड़ जाता है उसको, ठीक है। तो आप ऐसा क्राइम ना करें, मैं आप ठीक है सलाह दे रहा हूँ आपको इन चीज़ों की। और ये कुछ साइबर लॉज हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए थे, सेक्शन 43, जिसमें आप कंप्यूटर या कंप्यूटर के साथ कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो तो वो आपको सेक्शन 43 के अंदर भुगतना पड़ सकता है। सेक्शन 65 के अंदर आप किसी कंप्यूटर में छेड़खानी करते हो, चेंजेस करते हो, तो आपको 2 लाख जुर्माना, 3 साल की जेल हो जाती है। और इसी के साथ आपका किसी को आप गलत इस्तेमाल करके कोई फोटो या कोई इमेज भेजते हो या कोई मैसेज भेजते हो तो आपको 1 लाख जुर्माना, 3 साल की जेल। इसी के साथ आपको किसी का ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड मिल जाता है, चुरा लेते हो, 3 साल की जेल, 1 लाख जुर्माना, ठीक है। और आपका जो आता है उसको बोलते हैं वॉयलेशन ऑफ प्राइवेसी, किसी की फेक आईडी बना के आप किसी को, लड़की के आईडी बना के किसी को तंग करना, किसी का गलत इंटरप्रेट करना किसी को, ठीक है, किसी की इमेज डाउन करना, 2 लाख जुर्माना, 3 साल जेल, ठीक है। ये आपका वो पार्ट है डार्क वेब और डीप वेब वाला, ठीक है। अगर आप गलत तरीके से डार्क वेब पे पाए जाते हो, किसी डार्क वेब की ड्रग की वेबसाइट पे, किसी गन की वेबसाइट पे, तो आपको एक अच्छी खासी सजा हो सकती है, 5 लाख जुर्माना, 3 साल जेल, ठीक है। ये हमारा सेक्शन 66F आता है, ठीक है, साइबर टेररिज्म वाला, और जो भी मैंने बताया था उसमें 10 साल की जेल। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे साइबर लॉस होते हैं। आप किसी की इन्फॉर्मेशन, किसी की डेटा, आपको उड़ान का डेटा मिल गया, उड़ान फाउंडेशन का 50 बच्चों की डिटेल, आपने नेट पे उसको डाल दिया, तो आपकी जब डिटेल निकलेगी तो आपको 10 साल की जेल हो सकती है किसी प्राइवेसी रिवील करने के नाम पे, ठीक है, और अच्छा खासा फाइन पे करना पड़ सकता है।
किसी की हार्ड डिस्क में किसी की डिटेल निकाल ली आपने और उसको आपने क्लाउड पे डाल दिया, इंटरनेट पे डाल दिया, तो आपको अच्छी खासी सजा हो सकती है। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो ये चीज़ें आपको इसलिए पता होनी चाहिए बिकॉज ये आपको आपका कैरियर खत्म करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो इनका थोड़ा ध्यान रख लीजिए बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अब मैं दोबारा अपनी स्लाइड पे जाता हूँ और आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाता हूँ। ठीक है।